तुम्हें पता है इन फूलों और मेरे नाम में क्या सिमिलैरिटी है? चमेली के फूलों और तुम्हारे नाम? चमेली नहीं, इन्हें रात रानी कहते हैं। हाँ वही, तुम्हारे नाम में क्या सिमिलैरिटी है? ये दोनों ही उजाले के प्रतीक हैं। अच्छा, ये रात रानी के फूल ना सुबह सुबह अपनी डालियों से टूटकर चारों तरफ बिखर जाते हैं और भीनी भीनी खुशबू देते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग। पता है, अब जिंदगी में जब भी मैं ये रात रानी देखूंगा ना, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आएगी। आनी ही चाहिए। हे, ये क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट। This is the key to your heart. इसकी चाबी मेरे पास। पर इसका हम करेंगे क्या? जब भी तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे ना, तो मैं मेरी प्यारी चाबी से खोल दूंगी। कोई देख लेगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा, मैं हूं ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। और जब तुम नहीं रहोगे तब? पता है, हम दोनों ना इस लॉक और की की तरह, हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो फिर शादी कर लेते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? अच्छा, मजाक कर रही थी, सच में? I'll just call you back. Stop it यार, अर्जुन क्या कर रहे हो? Stop it. क्या यार, एक अच्छे खासे रोमांटिक इंसान को अनरोमांटिक बना देती है तू। आज तुम्हारा बर्थडे है, गिफ्ट देना तो बनता है। सुबह से गिफ्ट ही तो दे रहे हो। हाँ, क्योंकि आज का दिन सबसे बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। And even for me, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान्ड है। And what's the big surprise? बोला कि सरप्राइज बता दूंगा, सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा। So just wait for tonight, okay? This is the key to your heart. इसकी चाबी मेरे पास। ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे। जब भी तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे ना, तो मैं मेरी प्यारी चाबी से खोल दूंगी। लिसन अर्जुन, आई हैव टू गो टू द पार्लर, आई विल सी यू इन द इवनिंग। बाय। Happy birthday, Bhabhi. Thank you. Hey, pictures check करनी तुमने? कैसी है? अच्छी है? दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही है। Hey, you know what? तुझे कुछ दिखाना है? Yeah. एक second. Look at this. Hey, check करना और बता कैसे? I'm sure अच्छी होगी. सही है भाई, beautiful. I know, right? तो बहुत महंगी होगी. ये मत पूछ। पता है अंकित, आज लाइफ में पहली बार मैं सीरियस हुआ और आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, आज तो निधि भाभी को प्रपोज करोगे? हाँ, है कि नहीं?
जिंदगी में पहली बार कमिटमेंट से भाग नहीं रहा हूं मैं। तुम्हें भी पता है कि सब बहाना, सच तो ये कि तुम कमिटमेंट से भागते हो। देखा तुमने? फूल मंगाए थे क्या? हाँ ले ले यार, कुछ रोजेस मंगवाए थे। ले आए वो। अबे ये तो चमेली का फूल है, लगता है उसने गलत डिलीवर कर दिए। पता नहीं किसने चमेली ऑर्डर कर दिया। चमेली नहीं, रात रानी। चमेली नहीं, इन्हें रात रानी कहते हैं। अच्छा सुन, अब ये पे छोड़ जा, मार्केट जाओ, रोजेस ले आ। रोजेस? अरे वो किस लिए भाई? यार तेरी प्रॉब्लम यही है, तेरी जगह सरताज होता ना तो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता। अरे भाई जा तो रहा हूँ यार, तू भी ना बात बात पे मुझे सरताज से कंपेयर करता रहता है। चलो बाय। Hi Priya, what's up? Hi, कैसे हो? Yeah, come for the party tonight. 8:30 बजे ठीक शाम, please पहुंच जाना यार। हाँ, निधि के लिए सरप्राइज प्लान किया है। Hey, कॉल मत कर देना, okay? I know तुम उसकी best friend. जो भी है, whatever it is, मेरी भी दोस्त हो। Please मत करना। Thank you. फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो। हेलो, ये प्रिंटिंग तुमने चेक नहीं की थी क्या? सारी पिक्चर्स खराब है। सर मैंने खुद सब देख के पैक किया था। तब तो फोटो एकदम फर्स्ट क्लास था सर। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर, मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ। सर आप एक काम कीजिए, वो सब रहने दीजिए। मेरा एक नया स्टूडियो है, आप वहाँ पर आ जाइए। मैं सब काम रोक कर आपका फोटो प्रिंट करवा देता हूँ 1 घंटे में। मैं भी आपको एड्रेस SMS करता हूँ। ग्रीन पार्क एरिया तो यही है, यहाँ तो कोई शॉप नजर नहीं आ रही। हाँ बोलिए सर, कहाँ हैं आप? मैं ग्रीन पार्क के गेट पे खड़ा हूँ, आपका स्टूडियो कभी नजर नहीं आ रहा। ग्रीन पार्क में सर क्या कर रहे हैं आप? सर मेरा स्टूडियो तो यहाँ डीएन नगर में है सर। FDFC बैंक के सामने। मजाक हो रहा है यहाँ पे? हाँ मजाक हो रहा है, तुमने मुझे ग्रीन पार्क का एड्रेस भेजा था। नहीं सर, सॉरी सर, पता नहीं क्या कन्फ्यूजन है सर। वो आजकल मेरा दिमाग सही नहीं है सर, मेरी बीवी के चक्कर में। खैर छोड़िए, मैं आपको एड्रेस फिर SMS करता हूँ, आप तुरंत वहाँ आ जाइए सर। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी भेजो। निधि यहाँ क्या कर रही है?
निधि, निधि, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में? अर्जुन ने लेट कर दिया, एज यूजुअल। तो बेबी तुम उसको बता क्यों नहीं देती हो कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो? Don't you dare show me your face ever again. Let me just explain, Arjun. Just listen to me. Arjun, please listen to me. You have to understand. It is not meant to be. Just look at me. Please, don't do this. अगर ऐसा कुछ था, तो एक बार बता दिया होता मुझे. Listen. Just forget it. Let's just face it. We are not meant for each other. हम दोनों अपने अपनी जिंदगी से कुछ अलग चाहते हैं. हम दोनों की हमारी जिंदगी से कुछ अलग अलग ही उम्मीदें हैं. हम कुछ अलग चाहते हैं. आज तुम्हारा बर्थडे है, गिफ्ट देना तो बनता है. सुबह से गिफ्ट ही तो दे रहे हो. आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ हाँ, आज तो निधि भाभी को प्रपोज करोगे. हाँ, है कि नहीं? Let's just face it. We are not meant for each other. हम दोनों अपनी ज़िंदगी से कुछ अलग-अलग चाहते हैं. जब भी मैं इस चमेली के फूल को देखूंगा, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आएगी. Please don't do this. शहर, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता. तुम
तुम एक बार मेरे मम्मी पापा से मिल लो प्लीज। चाहे तुम्हारी मॉम डैड से मिलने का कोई फायदा नहीं है यार। देखो मैं अपने करियर में अभी सेटल डाउन भी नहीं हूँ। आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर मैरिज राइट नाउ, समझो इस बात को। अब भोपाल जैसी जगह में मेरा दम घुटता है और शहर में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आई हैव टू मूव ऑन। और मैं कोई अहमियत नहीं रखती शहर। ये प्यार शादी इन सब का कोई मतलब नहीं है जब तक हमारा फ्यूचर सिक्योर ना हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जानती हूँ सच क्या है। तुम्हें भी पता है कि सब बहाना है। सच तो ये है कि तुम कमिटमेंट से भागते हो। शहर देखो हम दोनों की हमारी जिंदगी से कुछ अलग अलग ही उम्मीदें हैं। हम कुछ अलग चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके तुम समझ जा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और जो मुझे भोपाल जाना होगा। एक हफ्ते से पीछा कर रहे हो मेरा, क्या इरादा है? इरादा नहीं, कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस क्या नंबर चाहिए? नहीं नंबर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? ओके। नहीं नहीं मतलब नंबर चाहिए। लिखो। लिखूं? ओह या पेन कहाँ गया? इट्स ओके, पेन भी मुझे देना पड़ेगा। पकड़ो। या श्योर। क्या नाम है कि? हाँ तो क्या हाथ तुम्हारा? ओ शिव तो घर का नंबर है। पापा फोन उठाए तो बोल देना अंजलि के भाई बोल रहे हो। और मम्मी फोन उठाए तो? और अगर मम्मी फोन उठाए तो बोल देना कि प्रिया की बहन बोल रही हो। अच्छा तो अब बहन भी बनना पड़ेगा। ठीक है, सुबह शाम दो बार, सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। नंबर दे रही हो या दवाई? Very funny। और हाँ, मुझे ना ये रोमांस वोमांस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंडशिप तक ठीक है, ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की भी कोशिश मत करना। आगे का आगे देखेंगे। भैया एयरपोर्ट वापस ले लो प्लीज। क्या हुआ साहब, आप तो अरेरा कॉलोनी जाने वाले थे। प्लान चेंज हो गया, आप वापस एयरपोर्ट ले लो प्लीज। ठीक है साहब। ये गाना था उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, है मेरे हमसफर।
लगाना है। क्यों इतनी जल्दी हार मान गए? कभी कभी माफी मांगना जरूरी होता है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है और जिंदगी जरा आसान लगने लगती है। ये कौन सा चैनल लग गया? तो हमारा अगला गाना है फिल्म रुस्तम से आतिफ असलम की आवाज में तेरे संग यारा। भैया क्या हुआ साहब, फिर से मन बदल गया क्या? कहाँ लो साहब, एयरपोर्ट या अरेरा कॉलोनी? नहीं एयरपोर्ट ही ले लो। क्या हो भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? एक मिनट साहब, चेक करता हूँ। साहब टायर पंचर हो गया। ये आप मुझे किस रास्ते से एयरपोर्ट ले जा रहे थे? साहब ये शॉर्टकट है, मेन एरिया जाम होता है इसलिए इस रास्ते से ले गया। साहब आप एक काम करो, आप दूसरी टैक्सी ले लो, टायर चेंज करने में मुझे टाइम लगेगा। रात रानी के फूल ना सुबह सुबह अपनी डालियों से टूटकर चारों तरफ बिखर जाते हैं और भीनी भीनी खुशबू देते हैं। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। You okay? Yeah, I'm okay. तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बिजी हो। नहीं इनफैक्ट मैं तुम्हीं से मिलने यहाँ पे आया। भगा कर ले जाना चाहती हूँ, मजाक कर रही, इतना सीरियस मत हो। दो ही तो गवाह थे मेरी मोहब्बत के, एक वक्त और एक तुम। एक गुजर गया और दूसरा मुकर गया। चलो चलो
अंकल आंटी नजर नहीं आ रहे। वो छोटी के यहाँ देहरादून गए। This is the key to your heart. इसकी चाबी मेरे पास। संभाल के रखा है। तुमने तो घुमा दिया होगा। नहीं, मैंने भी संभाल के रखा हुआ है। भी नहीं है मेरे पास, मतलब था। पूरी तैयारी के साथ आए हो? भोपाल आना कैसे हुआ? हाँ, सर, सर, I'm really very sorry. मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। सर, genuinely very sorry. मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है। अगर हो सके प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम्हें एहसास तो हुआ। अब क्या? और कैसी हो, मतलब कैसे चल रहा है सब कुछ? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, अब क्या? छोड़ो ये सब, शादी तो तुमने की नहीं होगी, गर्लफ्रेंड तो बनाई होगी ना? हाँ थी गर्लफ्रेंड, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अच्छा, क्या हुआ बताओ मुझे। सच में जाना, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के सामने तुमसे ब्रेकअप किया? शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। यू नो, उसके बर्थडे के दिन मैंने उसे प्रपोज करना चाहा, मैंने उसके लिए रेड रोजेस भी मंगवाए, लेकिन हुआ ये कि उस फूल वाले ने रात की रानी दे दिया। वाओ, दैट्स स्टूपिड लाइफ। सर, अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके, फिर कब मिलोगे? कल मिलते हैं। हाँ सर, ताज बोल। इतने साल बाद तू भोपाल आया और मुझे खबर तक नहीं। शुक्र कर मुझे अंकद ने बता दिया कि तू आया हुआ है। ओ यार, इतने टाइम से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू कॉल बैक भी नहीं कर रहा। अरे मेरी बात तो सुन, ऐसा कुछ नहीं यार, बस थोड़ा बिजी था। तू है कहाँ पे बता, मैं तुझे लेने आता हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं, कल मिलते हैं। आज थोड़ा बिजी हूँ, एक मीटिंग है मेरी। तू रुका कहाँ पे हुआ ये बता मुझे। हाँ यार, पास के एक होटल में रुका हुआ। होटल में? तू पागल हो गया क्या? अरे कहाँ ना मिलता हूँ तुझसे कल। ओ मैं अंगद ने बताया मुझे तेरे ब्रेकअप के बारे में। वो वैसे भी तेरी गर्लफ्रेंड? एक्स गर्लफ्रेंड, जिसे मैंने छोड़ दिया। हाँ हाँ,
आप ही तो छोड़ते हो सबको, आपको थोड़ी ना कोई छोड़ सकता है। इसी बात का तो गुमान है आपको बचपन से। वैसे ब्रेकअप के बाद भोपाल कैसे आना हुआ? माफी मांगनी थी। माफी? कैसी माफी और किससे? छोड़ने यार, क्या फर्क पड़ता है। शहर से? हाँ, शहर। क्या हुआ, तू इतना सीरियस क्यों हो गया? तुझे पता है ना शहर की शादी हो चुकी थी। हाँ हाँ, तो? और उसका पति अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा, हाँ तो तू कहना क्या चाह रहा है? क्या हुआ, बोल। पर शहर क्या, तो अपना फोन उठा पहले। यार मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन आने वाला था यार, क्या करूं मैं? तू जा यार, अपना पहले फोन बना क्या, फिर बात करते हैं आराम से। जा। थैंक यू। शहर, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ बताने को है ही नहीं। तुम खुश तो हो? Come on, tell me. सब ठीक है। शहर, I still remember. तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। So come on, बताओ, क्या बात है? मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहती। मम्मी पापा ने जल्दी शादी कर दी और वो इंसान बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे हमने सोचा था। क्या क्या हुआ एग्जैक्टली? मुझे बहुत मारता पीटता था और एक दिन तो उसने ऐसी हरकत की जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं थी। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, पति हूं मैं तेरा, दरवाजा खोल। पहले अपने फ्रेंड को जाने के लिए कहिए प्लीज। अरे वो मेरा दोस्त है, यही रहेगा आज तेरे साथ। दरवाजा खोल। शहर डार्लिंग, दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोल, जानती है तू मुझे, अंदर आ गया तो क्या हाल करूंगा तेरे। दरवाजा खोल। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। शहर, तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? कहना बहुत आसान है लेकिन अकेले वो सब हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। खैर छोड़ो ये सब, अब मैं आजाद हूं, कुछ और बात करते हैं। पता दो उसका, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। छोड़ो ये सब, बात बढ़ा के कोई मतलब नहीं। शहर एड्रेस दो मुझे, कैसे छोड़ो ये सब? जैसे मुझे छोड़ा था। अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाते तो ये सब नहीं होता था। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी अकेले। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो मेरे पति को भूल जाओ। तुम मुझसे मिलने भोपाल आए थे ना, मेरे साथ वक्त बिताने। चलो मेरे साथ वक्त बिताओ। सर पता है, यहाँ आने से पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ है जो मुझे यहाँ पे आने को मजबूर कर रहा है। जैसे वो टेरेस पे रात रानी का एकदम से आना, फोन पे तुम्हारी पिक्चर आना, उस आरजे का बार बार मुझे तुमसे माफी मांगने को कहना, वो कैब का पंक्चर होना ठीक तुम्हारे घर के बाहर। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता यार।
विशेष प्रेम से। हाँ तेरा फोन ठीक हो गया? हाँ यार फोन ले लिया, काम हो गया। कहाँ पे है तू? वो हमारी बात अधूरी रह गई थी ना, वो शहर। अरे शहर के आए तो आया हूँ मैं अभी। क्या तू वहाँ पे क्या कर रहा है? यार तुझे शहर से बात करनी है? एक सेकंड होल्ड कर। शहर सरताज आ रहा तुम्हें। अरे मेरा पुराना दोस्त, बात करो उससे। कम ऑन। हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। क्या होने लगा उसका? कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई है, खाओगे ना? मैं अभी लगाती हूँ। सर तेरी सांसों की सांस में जो हूं तो मैं हूं, तेरे ख्वाबों की आंच में जो हूं तो मैं हूं, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है सर, आई एम सॉरी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। हेलो सर, आपने जो सूरज मिश्रा का एड्रेस ढूंढने के लिए बोला था ना, वो मिल गया है। ग्रेट, एड्रेस भेजो मुझे जल्दी। जी सर, मैं आपको अभी मैसेज करता हूँ। ओके। सूरज मिश्रा? यस, कौन? अरे भाई, मार क्यों रहे हो? सुन, शेर के साथ तूने जो कुछ भी किया ना, उसका पता ले रहा हूं मैं। अगली बार शेर के आसपास ही नजर आना था तो जान ले लूंगा मैं। अरे सुनो तो, कहाँ गए थे तुम? अरे चोट, चोट कैसे लगी तुम्हें? अर्जुन मैं पूछ रही हूँ, चोट कैसे लगी तुम्हें? मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलने गया था। उसे अपनी तरीके से समझाया मैंने भी कि तुमसे दूर रहे। और क्या कहा उसने? यही कि छह महीने पहले मर चुके हो।
अर्जुन। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई भूत हूं जो तुम्हें डरा रही है तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हटो, हटो, हटो। क्यों गए थे? मना किया था ना तुम्हें, मना किया था ना मेरे पति से मिलने के लिए, क्यों गए? याद है तुम्हें जब तुम उसके घर से निकले थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हें सिर्फ चोट ही नहीं बल्कि तुम वो दुनिया छोड़कर मेरी दुनिया में आ गए। अरे यार कौन है ये आदमी? एक्सीडेंट हो गया। अरे किसी ने पुलिस को बुलाया क्या? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी।